गौहर साहब बाबा के दरगाह पे हूँ मैं, और यहाँ पे प्रताप सरनायक जी आए हुए हैं। प्रताप सरनायक जी, बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत हर्षोल्लास से यहाँ पे कहीं ना कहीं उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ दर्शन लेने के लिए, दरगाह के प्रति एक आदर भाव व्यक्त करने के लिए, क्योंकि हमारे साथी बिलाल पटेल, साजिद पटेल और आसिफ भाई वगैरह, उनकी झाकी पटेल, उनके माध्यम से यहाँ पे हर साल ये उर्स किया जाता है। हमारे सभी यहाँ परिसर के विधायक, हमारे गीता जैन भी है, ये गीता जी भी यहाँ पे आती है, और हम लोग उनको बहुत ही अच्छी तरह से इस परिसर का विकास कैसे हो और मेरा भाई दर्शन अच्छी डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम दुआ मांगते हैं। और सभी लोगों को, हमारे भाई और बहने आते हैं, मुसलमान भाई और बहने, उनको भी हम दुआ मांगते हैं उनके लिए कि ताकि मीरा भाईंदर शहर में और डेवलपमेंट। मीरा भाईंदर के दोनों विधायक एक साथ दिख रहे हैं हमें, हजरत गौहर साहब बाबा के दरगाह पे, आपका क्या मैसेज है? आज के उर्स की सभी को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और मैं यही दुआ करती हूँ कि हमारे मीरा भाईंदर के हर एक नागरिक को ये दुआ है मेरी कि सभी खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और उनके घर में उन्नति बनी रहे। और आज इस सुंदर मौके पर इतने सारे आयोजन पटेल फैमिली ने, बिलाल भाई, जक्की भाई ने किए हैं, उसके लिए दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ कि बहुत सुंदर आयोजन हर साल की तरह इस साल भी आपने किया है, और ये आगे के आगे और सुंदर होता रहे, ये दिल से दुआ करती हूँ। दोस्तों, यही है मीरा भाईंदर हमारा। आप देखिए, यहाँ पे हजरत गौहर साहब बाबा का कहीं ना कहीं उर्स मुबारक चल रहा है। गीता जैन जी और प्रताप सरनायक जी, कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। और जब पार्टी पॉलिटिक्स, अगर पार्टी पॉलिटिक्स की बात करूँ तो ये जो जक्की पटेल है वो एनसीपी में है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि ये लोग अरेंज करते हैं और आप सबको जब भी बुलाते हैं आते हैं। थैंक यू सो मच सर। दो तीन, जैसा आपने कहा कि इतनी रात हो रही है और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मुझे जहाँ तक पता है आप भी बहुत दूर से आए हुए हैं और इतनी रात में हौसला बढ़ाने आए, उर्स में शामिल होने आए। दो तीन साल से कोरोना पिछले जो है तवा किए हुआ था, इस तरह से हम लोग गैदर नहीं हो सकते थे। इस बार ये मौका मिला है कि हर त्यौहार हम ठीक से मना पा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आम जनता को? ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2 सालों में कोरोना की जो महामारी आई थी, उसके बीच हम कोई त्यौहार, कोई उर्स मना नहीं पाए, और आज 2-3 साल के बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं, और हमारे साजिद भाई हो, जक्की भाई हो, इन्होंने भी शानदार कवाली का प्रोग्राम का आयोजन आने वाले सभी लोगों के लिए किया है। आप देख रहे हैं कि रात के 1:30 बज रहे हैं, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि 7 या 8 बजे का टाइम हो रहा है, ऐसा माहौल अभी यहाँ पर है, और यह सब बाबा की मेहरबानी है, और सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और यह सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, और सब बाबा के लिए पास दुआ के लिए आए हैं, और दुआ कर सब लोग यहाँ पर कवाली का भी बहुत देर से हम देख रहे हैं कि कितना शानदार मज़ा सब लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और ये एक उर्स होता है, कोई प्रोग्राम होता है, और जब लोग इकट्ठा आते हैं तो एक अच्छा शांति अमन का पैगाम हम यहाँ सर बाबा के यहाँ से लेकर जाए, और वही शांति अमन का पैगाम हम हमारे जिलों में, हमारे तालुका में फैलाए। यस, महाराष्ट्र प्रदेश के आपके कहीं ना कहीं अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहला तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे उर्स के मौके पे उन्होंने इतना कीमती समय निकाल के वो हमारे गोरछा बाबा के उर्स में आए, और मैं दिल से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी वो दुआ हमारे गोरछा बाबा के बारगाह में मांगे होंगे, मैं गोरछा बाबा से भी यही दुआ करूंगा कि उनकी हर कामना पूरी हो, और आने वाले टाइम में हमारे महबूब भाई MLC या आमदार, दोनों में से एक चीज़ हमारे को बन के आने वाले उर्स में हमारे सामने आए, हमारी यही दुआ रहेगी। आपको तो इस दरगाह के मतलब प्रीमाइसेस में एक बड़ी दुआ दी है इन्होंने, क्या कहेंगे? मैं अभी क्या शुक्रिया ही बोलूंगा साजिद भाई को। मैं जब भी बात करता हूँ आप दोनों से बात करता हूँ, तो वही सवाल आपसे भी है, क्या बोलेंगे सर के बारे? बस यही बोलूंगा कि सर ने इतना लंबा सफ़र करके आज हजरत सैयद गोरछा बाबा की ज़ियारत करने का आज उनको मौका मिला। सरकार ने, मैं यही मानूंगा कि सरकार ने उनको बुलाया, वो आए नहीं है, सरकार का बुलावा था तो महबूब भाई यहाँ तक आए, सरकार की हाजिरी उनको आज मुबारक हुई। तो मैं ही करूँगा, जो भी उनकी दुआ है, जो भी उनकी दुआ है सरकार से, सरकार के जरिए वो कबूल हो, बस यही बोल के मैं मेरे दोषब ख़त्म करता हूँ।
सर मैं भी उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपका इंटरव्यू इस जगह पे करूँ तो आप MLC या MLA हो। थैंक यू सो मच।